राजनीति का दायरा बहुत विशाल, इतना विस्तृत है कि सिर्फ शख्सियत का संकीर्णता की सीमा लांग दिया जाना भी राजनीति की परिधि में ही सिमट जाए। इसलिए तो कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ भारत के छठे राष्ट्रपति के साथ। ये कहानी है ऐसे राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार तो असफल हुए थे, जबकि दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद के लिए इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। ये कहानी है नीलम संजीव रेड्डी की। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को इलोरपुर ग्राम अनंतपुर जिले में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका परिवार संभ्रांत तथा भगवान शिव का परम भक्त। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था, जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशन के साथी थे। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल अरियार मध्य प्रदेश में संपन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े। संजीव रेड्डी ने सवनीय अभियान आंदोलन में भी भाग लिया था। यह उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वह युवा कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1935 को नागारत्नम के साथ संपन्न हुआ। इनके एक पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं। 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीव रेड्डी काफी सक्रिय हो चुकी। यह 1936 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए और इस पद पर 10 वर्ष से अधिक समय तक गुजारा। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य के आवासीय वन एवं मद निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी समापन करते थे। तब कुमारस्वामी राजा मुख्यमंत्री थे। यह समय 1949 से 1951 तक का था। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एनजी रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचन सदस्य बन गए। इस प्रकार इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की छवि एवं दर्जा प्राप्त किया। नीलम संजीव रेड्डी की निजी जीवन में एक दुखद घटना घटी। इनका 5 वर्षीय पुत्र मोटर दुर्घटना में काल का विलुप्त हो गया। इस घटना से यह इतना व्यथित हुए कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन इन्हें त्यागपत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया। 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, लेकिन 1953 में इन्होंने सदस्यता त्याग दी। फिर यह टी प्रकाशनम की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि 1955 से पूर्व तक यह मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन का कार्य किया गया तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब इनकी उम्र 43 वर्ष थी और यह भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। इन्हें 3 दिसंबर 1956 को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी से प्राप्त हुई। 9 जून 1964 को रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खाद्य मंत्रालय प्रदान किया। 1964 में ही यह राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और 1967 तक इसके सदस्य बने रहे। जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रहे। इन्होंने यातायात, जहाज रानी, नागरिक उद्यान एवं टूरिज्म के कार्य कैबिनेट मंत्री के रूप में देखा। 1967 की लोकसभा चुनाव में रेड्डी हिंदपुरा से निर्वाचित हुए, जो आंध्र प्रदेश की ही एक सीट थी। 17 मार्च 1967 में इन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन 19 जुलाई 1969 को इन्होंने लोकसभा के स्पीकर के पद से त्यागपत्र दे दिया। यह कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव हेतु अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए थे। इस ऐतिहासिक चुनाव ने कांग्रेस को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, एक कांग्रेस ओ और दूसरी कांग्रेस आर के रूप में सामने आई। 1971 में जब लोकसभा चुनाव आहूत हुए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय इंदिरा लहर के सम्मुख कई बड़े दिग्गज अपने पाँव की जमीन गंवा बैठे थे। इस हार से रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वो अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में गुजारने लगे। एक लंबे अंतकाल की राजनीति खामोशी के बाद 1 मई 1975 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे।
उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ हैदराबाद में जनसमूह को संबोधित किया। जनवरी 1977 को यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठवीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर आंध्र प्रदेश की नंडियाल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनावी नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश के अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी हुए थे। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया गया था। रेड्डी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तभी वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस बार यह कोई भी खतरा लेने के मूड में नहीं थे। वह पुराना इतिहास दोहराए जाने से भयभीत थे, अतः सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध वे राष्ट्रपति चुने गए। सभी राजनीतिक दलों ने इन्हें अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुना था। 21 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती नांगा रत्नम के साथ प्रातः राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर गए ताकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस समय रेड्डी ने खादी की बेदाग अचकन और गांधी टोपी धारण कर रखी थी। फिर यह 9 अकबर रोड से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्री को साथ लेकर संसद भवन पहुंचे ताकि वहां पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर सके। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, लोकसभा के स्पीकर के एस हेगड़े, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम एच बेग तथा अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। 25 जुलाई 1977 को प्रातः काल 10 बजे केंद्रीय हॉल में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। इस प्रकार रेड्डी छठे निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। सुबह 10:11 पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण के समय नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। 21 तोपों की सलामी के साथ रेड्डी ने राष्ट्रपति कार्यकाल संभाला। उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। फिर रेड्डी ने 800 शब्दों से संक्षिप्त संबोधन दिया। उपराष्ट्रपति बीडी जट्टी, जिनके पास कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का दायित्व था, राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से रेड्डी को सौंप दिया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने उनका परिचय तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष से कराया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने जो तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनने के बाद सभी गतिरोध थम गए। उन परिस्थितियों में यह अच्छा ही था क्योंकि सरकार में कई पार्टियां शामिल थीं और शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति को सभी का सहयोग अपेक्षित था। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने एक मजेदार वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष दिया। स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति ना तो देखा जाता है और ना ही सुना जाता है। रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि वह वैसे ही राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति भी रहेंगे जो निर्णय भी ले। मैं खामोशी के साथ ही कुछ नया चाहूँगा। नीलम संजीव रेड्डी का 50 वर्षीय राजनीतिक जीवन भी राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ था, इस कारण वह काफ़ी अनुभवी और योग्य राष्ट्रपति सिद्ध होने वाले थे। 25 जुलाई 1982 को अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति पद के दायित्व से मुक्त हो गए। फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हुआ। यदि हम रेड्डी के जीवन वृत्तांत पर दृष्टि डालें तो यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए उनका की गरिमा का सदैव पालन किया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी का जीवन हमें कई रंगों में रंगा नजर आता है, लेकिन इनकी राष्ट्रवादी सोच और राजनीतिज्ञ के रूप में इनका अनुशासन भाव निश्चय ही प्रशंसनीय रहा है। एक राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। यह भारत माता के ऐसे सपूत रहे हैं जिन पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।